नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर और टाटा पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते जो लोगों ने इसमें खूब दबा के माल उठाया टाटा पावर और टाटा मोटर में, और मुझे लगता है इसका फ्यूचर कोई खास ब्राइट नहीं है। 10 सालों के बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आएगी, उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा, उसके बाद इसमें फ्यूचर है दोस्तों। तब तक आप इसमें एक अच्छी कोई कंपनी में, जो कंपनी 40-50 के CAGR से ग्रोथ कर रही है, उसमें आप पैसा डालोगे तो वो 10 सालों में आपका पैसा काफ़ी अच्छा बना करके देगी, खूब सारा पैसा आपका बना करके देगी। हम देख लेते हैं टाटा पावर और टाटा मोटर में कितना दम है दोस्तों। पहले हम चलते हैं टाटा पावर की तरफ, तो हम देख लेते हैं इसका मार्केट कैप है 44,447 करोड़। और हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखें हैं। पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट वो अच्छे आ रहे हैं, और जो डिविडेंट है दोस्तों 33% के डिविडेंट दे रही है वो सालाना। और नेगेटिव की बात करें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और जो पास्ट 5 के जो सेल्स है वो घटती जा रही है 1.94 की रफ्तार से, और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2.14% है लास्ट 3 साल की। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट 3। और इसके बाद हम देख लेते हैं पहले कि यदि यही CAGR रहती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, 10 सालों की 4%, 5 सालों की 13% और 3 साल की 27%, तो हमारा जो पैसा है वो कितना बनेगा। हम इसमें डालेंगे 20,000 रुपये, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है दोस्तों, 20,000। चलिए हम डाल के देखते हैं 20,000 और 27% के CAGR से कि हमारा पैसा कितना सालों में कितना होता है दोस्तों। हमने डाला है 20,000 की एक अमाउंट, जो कि 27% के एवरेज से CAGR से हम 10 सालों में देखें कि कितना पैसा बना करके देगी ये कंपनी। देखिए दोस्तों, उसमें आए 2,18,000 रुपये इस कंपनी ने बना करके दिए हैं अगले, यदि हम 20,000 रुपये इसमें लगाएं 10 सालों तक और 27% के CAGR से। ये 27% की CAGR जो कि लास्ट 3 साल की है, उससे पहले यदि 10 साल की देखोगे तो वो काफ़ी कम है दोस्तों। यही पैसा हम यदि 20 सालों तक लगा करके देखें तो हम देखेंगे कि हमारा पैसा 20 सालों में ये कंपनी कितना करती है, तो 20 सालों में ये 23.83 लाख रुपये कर देगी। जबकि दूसरी जो कंपनियां 40-50 के CAGR से ग्रोथ कर रही है, वो 20 सालों में करोड़ों के आपकी जो प्रॉफिट है वो बना करके देगी 20,000 पे दोस्तों। अब हम बात कर लिए हैं टाटा मोटर के बारे में, तो टाटा मोटर के बारे में बात करें, शेयर प्राइस है दोस्तों 317। और यदि हम चलें स्क्रीनर की तरफ तो टाटा मोटर की जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव देख लेते हैं। जो क्वार्टर रिजल्ट है इसके दोस्तों वो अच्छे आ रहे हैं, और नेगेटिव पॉइंट देखिए आपके इतने सारे हैं। आप इसके लो इंटरेस्ट कवरेज है सेम एज टाटा पावर, और जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.76% से लास्ट 5 साल से घटती जा रही है, ये भी सेम एज पावर टाटा पावर जैसे हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी -27.49% की है लास्ट 3 साल से, और जो कंपनी का कैपिटल है वो पूरा का पूरा ब्याज के ऊपर है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके CAGR की तरफ, जिसका CAGR है दोस्तों 12% का CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 20,000 यदि इस कंपनी में हम डाल दें तो 10 सालों में और 20 सालों में कितना पैसा होगा हमारा। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, तो हम 20,000 की अमाउंट, और हम जो हमें जो CAGR दिखाई दिया है दोस्तों वो है 12% का CAGR जो टाटा मोटर हमें दे रही है। हम इसको 10 सालों तक हम लगाएंगे तो हमारा जो पैसा है दोस्तों वो होगा 62,000, जबकि 40-50 CAGR की ग्रोथ से जो कंपनियां चल रही है वो आपका पैसा अच्छा खासा अमाउंट बना देगी दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसी अमाउंट को हम 15 साल तक होल्ड करें तो ये जो अमाउंट है वो देख लेते हैं कि कितनी आती है। वो आती है 1.09 लाख रुपये। और अब हम इसी को 15 साल की जगह 20 साल करके देखें तो हम देखते हैं कि कितने हमारे पैसे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पैसे आते हैं 1.93 लाख टोटल, जिसमें से 20,000 हमने खुद ने इन्वेस्ट किए हैं दोस्तों। दूसरी बात, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि कंटिन्यू कंपाउंडर है 20-30 सालों से, वो इससे अच्छा CAGR दे रही है दोस्तों, 25% का CAGR है उसका लास्ट 10 साल का।
इससे अच्छा तो उसमें डालोगे, वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। और मुझे नहीं लगता कि 10 सालों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका कोई फ्यूचर है दोस्तों। 10 साल के बाद जब अच्छी खासी इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तब इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है फ्यूचर है, फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अच्छा खासा टाइम देने के बाद 10-20 सालों के बाद, क्योंकि फ़िलहाल इस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। इसका पैसा आप किसी अच्छी कंपनी में डालोगे जिसका CAGR 40% या 50% है, वो कंपनी आपके पैसों को बहुत टाइम तक बहुत मतलब मल्टीप्लाई कर देगी और अच्छा खासा आपको पैसा बना करके देगी। अब हम चलते हैं कि इसके क्वार्टरली और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट आ रहे हैं टाटा पावर के और टाटा मोटर के, वो देख लेते हैं दोस्तों। टाटा पावर की बात करते हैं दोस्तों, पहले टाटा पावर के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देख लिया आपने, अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो ये क्वार्टरली अच्छे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। देखिए जून 2020 में 207 करोड़, फिर 280 करोड़, फिर 248 करोड़, लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो नेट प्रॉफिट है वो। तो प्रॉफिट की बात करें 2018 से देखते हैं 2400 करोड़, मार्च 2019 में 2356 करोड़, और मार्च 2020 में 1000 करोड़, मार्च 2021 में है 1127 करोड़, और अभी तक 1320 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट है दोस्तों। और CAGR आपको दिखाई दिया मैंने, CAGR बहुत कम है दोस्तों। अब हम चलते हैं रिजर्व की तरफ, तो इसके रिजर्व वो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बोरोविंग जो इसने उधार लिए हैं वो इसके अच्छे खासे हैं, 46,000 के करोड़ के इसके बोरोविंग ने उधार ले रखे, 46,000 करोड़। अब हम बात करें जो होल्डिंग्स है, तो प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, FII की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, DII की होल्डिंग घटती हुई दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट की भी घटती हुई दिखाई दे रही है, और पब्लिक भी इसमें पैसे जो होल्डिंग है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर के बारे में देख लेते हैं हम कि इसके रिजल्ट कैसे हैं और इसके जो प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं कि कितने हैं। एक मिनट मैं ऊपर चल के लिखता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट तो देख लिए हमने, अब हम चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तरफ क्वार्टरली। तो क्वार्टरली आप देखोगे 2020 दिसंबर के अच्छे पॉजिटिव जो थे इसकी प्रॉफिट थे, लेकिन उसके बाद मार्च 2021 में नेगेटिव 7600 करोड़ के नेगेटिव इसके रिटर्न है, प्रॉफिट है, और जून 2021 में 4451 करोड़ के माइनस रिटर्न है दोस्तों। मतलब ये कंपनी लॉस में चल रही है अभी भी। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2018 की बात करें तो 8989 करोड़ के पॉजिटिव रिटर्न, मार्च 2019 में 28,000 करोड़ के नेगेटिव रिटर्न, मार्च 2020 में 12,000 करोड़ के माइनस नेगेटिव रिटर्न, मार्च 2021 की बात करें तो 13,000 के नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। और CAGR मैंने आपको बता ही दिया कि नेगेटिव अच्छे खासा ही प्रूफ, मतलब कंपनी अच्छी है लेकिन इसके CAGR बहुत लो है। आने वाले समय में ये अच्छा करेगी लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तो स्टार्ट है दोस्तों। तो 10-15 सालों तक यदि आप होल्ड कर सकते हो तो उसके बाद आप देखोगे कि इसमें पैसा जो बनना है वो स्टार्ट होगा दोस्तों। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसके पास अच्छे खासे हैं, और आप देखोगे रिजर्व है 64,000 के 2014 में, और जो कि लगातार बढ़ते हुए और घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार फ्लक्चुएट है दोस्तों। बोरोइंग की बात करें तो 1,42,000 की करोड़ की बोरोइंग है, उधार है इसके ऊपर, जो कि एक बहुत गलत और नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि प्रमोटर की और FII की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, FII की होल्डिंग वो घटती हुई दिखाई दे रही है, DII की होल्डिंग घटती हुई दिखाई दे रही है, और गवर्नमेंट की 0.15% की होल्डिंग है, पब्लिक इसमें होल्डिंग घटाता हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। यदि आप दोनों की बात करें तो टाटा पावर में थोड़ा दम है, अभी उसमें लेना चाहो तो उसके शेयर लीजिए दोनों के कंपैरिजन में, और मैं इस दोनों में से कोई भी रिकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये कुछ खास इन कंपनियों में दम नहीं लगता। आने वाले अच्छे खासे टाइम बाद इसमें शायद ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसके इन दोनों कंपनियों पे कर्ज ही इतना है कि ये
कर्ज ही उतारने में इसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। अब हम देख लेते हैं रिटर्न की तरफ। एक दिन का बात करें तो माइनस के रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 6% के रिटर्न, और यदि 1 साल की बात करें तो 139% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 साल की बात करें तो -40% के रिटर्न, और आज तक के देखें तो 900% के रिटर्न है। हालांकि ये कंपनी 1999 से लिस्टिंग है दोस्तों शेयर मार्केट में, इसके बावजूद इसने सिर्फ 9 गुना तक पैसे किए। इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनियां जो व्हीकल्स में हैं वो अच्छा खासा रिटर्न दिया है उन कंपनियों ने। हम अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर देखिए दोस्तों, 3% का नेगेटिव रिटर्न एक दिन में, 1 महीने में 9% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 34% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल की बात करें तो 157% का, 5 साल की बात करें तो 84% के पॉजिटिव रिटर्न। आज तक के देखें तो इसने किए 12 गुना आपके पैसों को, जबकि हालांकि ये 1999 में ही ये कंपनी में लिस्ट हो चुकी है और इसने सिर्फ 12 गुना तक आपके पैसों को किया है। अब करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है, लेकिन 10 सालों के बाद अच्छा खासा इन्वेस्ट होना शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तब तक आप दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो कि ये जबकि ये कंपनी आपको जो टाटा पावर है 27% की लास्ट 3 सालों में CAGR है, और टाटा मोटर की 12% की CAGR है लास्ट 3 साल की। या इसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनियां हैं बजाज फाइनेंस, टाटा जो अलग दूसरी कंपनियां टाटा एलेक्सी, उनकी CAGR अच्छी खासी है दोस्तों, उसमें आप पैसों को लगा सकते हैं 10-20 सालों तक। और आप इसके बारे में सोचना ज़रूर, आप इसके पहले रिजल्ट देखना और इसके बारे में अच्छे से सलाह लेना, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर उसके बाद में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना दोस्तों। मैं इनमें दोनों में से कोई भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पब्लिक इसमें अच्छा खासा माल उठाती जा रही है दोस्तों, और भर भर के लोगों ने इसमें शेयर उठाए हैं, और मुझे नहीं लगता इन दोनों कंपनियों में कोई खास दम है। टाटा पावर आने वाले समय में जो पावर स्टेशन जो बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसमें इसकी न्यूज़ है थोड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन इन दोनों के कंपटीटर भी होंगे मार्केट में दोस्तों, टाटा पावर के भी और टाटा मोटर के भी, क्योंकि जो व्हीकल के जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी मार्केट में है, तो उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों टाटा पावर के मुकाबले में। वो भी अपना स्टेशन जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन वो भी अपना बनाएगी दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।